Hello students, good morning. Welcome here and welcome our YouTube channel Language Modern School. Our previous video is completed lesson number 3. So today I will start lesson number 4. Our lesson title name is Kindness. So what is meaning of kindness? So kindness ka meaning hota hai dayavan. Yani its meaning दयावान. काइंडनेस का मीनिंग क्या होता है? दयावान. तो हमारे टर्म बुक में पेज नंबर 30 पर हमने ये वाला लेसन जो है वो हमें दिया गया है. तो सबसे पहले हम लोग उसका जो हार्ड वर्ड्स है वो हम लोग देख लेते हैं. सो हार्ड वर्ड्स आपको अपनी इंग्लिश की जो नंबर 1 की बुक है उसमें आपको ये जो हार्ड वर्ड्स में लिखवा रही हूँ वो आपको लिखना है. ये हार्ड वर्ड्स में एक बार ये हार्ड वर्ड जो मैं एक बार लिखवा देती हूँ फिर मैं कभी यानी कि ऑफलाइन होगा फिर भी मैं ये हार्ड वर्ड्स आपको नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि ए वाला जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको कंपल्सरी अपनी 1 नंबर की बुक में अच्छी राइटिंग करके लिखना. So first hard words is number 1 Sunday. First letter जो है वो हमें capital करना है. फिर है one day. फिर है 3 नंबर पे out. फिर है next one is play. फर्स्ट लेटर में कौन सा करना है? कैपिटल करना है. और ए हार्ड वर्ड्स में एक ही बार यहाँ पे बोर्ड पर लिखूंगी यानी कि आपको दूसरी बार ये हार्ड वर्ड्स नहीं मिलेंगे. तो आप सबको ध्यान रखकर अच्छे से लिख लेना है. फिर है मदर. नेक्स्ट वन इज आस्क. मदर आस्क. नंबर सेवन पर दिया गया है फिनिश. फिर नंबर 8. सो 8 पर दिया गया है होमवर्क. Doing. Next one is last. Number 11. Outside. Number 12. Duck. Number 14. Wanted. Red. Number 15.
unhappy. Unhappy. He never sees dream. With. With. He never seven. Started. He remember it. Harry. सो फर्स्ट हमारे पास कौन सा अनवर्ड है? सो फर्स्ट हमारे पास है एस यू एन डी ए वाई. क्या है? एस यू एन डी ए वाई. क्या इसको हम बोलते हैं? संडे. क्या इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा होगा? संडे. फिर है डब्ल्यू ए एन टी ई डी. डब्ल्यू ए एन टी ई डी यानी कि वांटेड. क्या है? एस यू एन डी ए वाई संडे. फिर नेक्स्ट हमें दिया है डब्ल्यू ए एन टी ई डी. क्या है? डब्ल्यू ए एन टी ई डी वांटेड. क्या इसको बोलते हैं? वांटेड. फिर है ओ यू टी यानी कि आउट. ओ यू टी यानी कि आउट. आउट यानी कि बाहर. The next one is PLAY, play. यानी कि खेलना. क्या होता है? खेलना. PLAY, play. क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा? PLAY, play. Then next one is MOTHER, MOTHER, mother. MOTHER, mother. क्या हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन होगा? मदर. सो मदर मीन्स क्या होता है? मम्मा यानी कि माता. फिर नेक्स्ट ए एस के ई डी आस्क. क्या हम बोलेंगे इसको? ए एस के ई डी आस्क. आस्क यानी कि पूछना. फिर है नेक्स्ट वन इज एम आई एम आई एस एच. एम आई एन आई is at finish. M-I-N-I-S-H finish. यानि कि इसका pronunciation क्या होगा? finish. finish का meaning क्या होता है? finish यानि कि complete करना, पूरा करना. फिर है next H-O-M-E-W-O-R-K. H-O-M-E-W-O-R-K homework. क्या हम इसको बोलते हैं? homework. क्या बोलेंगे? homework. फिर है next one is D O I N G. D O I N G यानी कि doing. क्या आप इसको बोलेंगे? doing. doing यानी कि करना. फिर है next one is L A S T last. L A S T last. L A S T last. लास्ट यानी कि सबसे लास्ट वाला यानी कि सबसे पीछे वाला. देन नेक्स्ट है ओ यू टी एस आई डी ई. ओ यू टी एस आई डी ई यानी कि आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ. क्या होता है? आउटसाइड. देन नेक्स्ट वन इज टी यू आर एन ई डी. टी यू आर एन टर्न. क्या बोलते हैं इसको? टर्न. फिर है नेक्स्ट वन इज डी ए आर के डार्क.
क्या बोलते हैं इसको हम? DARK डार्क, DARK डार्क यानी गहरा वाला जो अंधकार में होता है उसको क्या बोलते हैं? डार्क बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज RAIN रेन। रेन मींस क्या होता है? बारिश। क्या है हमारा स्पेलिंग? RAIN यानी कि रेन। फिर है UNHAPPY, UNHAPPY यानी कि अनहैप्पी, जो खुश नहीं होते हैं, जो ना खुश होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनहैप्पी। फिर है WIDH यानी कि विथ। क्या बोलते हैं हम इसको? विथ, WIDH यानी कि विथ। फिर है नेक्स्ट STARTED स्टार्टेड। स्टार्टेड मींस क्या होता है? शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। देन नेक्स्ट दिया है HEAVILY, हैवीली। क्या हम बोलते हैं इसको? हैवीली, HEAVILY, हैवीली यानी बहुत जोर से। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट वाला जो हमारे पास जो हार्ड वर्ड शब्द है वो है संडे, वांटेड, आउट, प्ले, मदर, आस, फिनिश, होमवर्क, डूइंग, लास्ट, आउटसाइड, टर्न, डार्क, रेड, अनहैप्पी, वी, स्टार्टेड एंड हैवी। जो भी मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे वो आपको अपनी जो नंबर वन वाली जो बुक है इंग्लिश की उसमें आपको वन टाइम और अच्छी राइटिंग के साथ आपको लिखना है। सो लिख लो सब लोग।
से मैंने करती हूँ sunday 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 wanted 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 यानी कि इच्छना फिर out out यानी कि बाहर play play यानी कि खेलना फिर mother mother यानी कि माता फिर askedi ask क्या बोलते हैं हम इसको ask ask यानी कि पूछना फिर finish यानी कि finish यानी कि पूर्ण करना complete करना फिर homework homework क्या बोलते हैं इसको homework फिर doing doing क्या हम इसको बोलते हैं doing doing यानी कि करना फिर last last यानी कि सबसे पीछे वाला last वाला यानी कि अंतिम वाला फिर outside outside क्या बोलते हैं इसको outside फिर turned यानी कि turn turn क्या हम इसको बोलते हैं turn फिर dark dark क्या बोलते हैं dark जो अंधकार में होता है उसको हम क्या बोलते हैं dark फिर rain 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 यानी कि बारिश फिर unhappy unhappy क्या बोलते हैं इसको हम unhappy फिर with यानी कि with क्या बोलते हैं हम इसको with फिर started started क्या हम बोलते हैं इसको started फिर heavy heavy क्या बोलते हैं हम इसको heavy सो आई होप कि आपको ये जो भी मैंने हार्ड वर्ड्स लिखवाए हो वो आपने अपनी नंबर वन वाली बुक है उसमें लिख लिया है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी किस तरह से होता है वो भी आप सबको पता चल चुका है सो इसके बाद का जो हार्ड वर्ड्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं उसके बाद 19 हर एआरडी हर यानी कि सुनना फिर है 20 तो 20 नंबर पर है क्राइस सी आर आर यस क्राइस यानी कि रड़ना फिर है 21 तो 21 नंबर पर दिया है बर्ड्स बी आई आर डी एस बर्ड्स 22 रिमेम्बर फिर है 23 स्पैरो Sparrows. Feed 24. Alone. Alone. Feed 25. Getting. Getting. Shaking. 27.
नंबर पर जो दिया गया है वो है हार्ड वर्ड्स हमारे पास एच ई ए आर डी हॉर्ड, एच ई ए आर डी हॉर्ड, हॉर्ड यानी कि सुनना। फिर है सी आर आई एस क्राइस, क्या बोलते हैं इसको हम, क्राइस, क्राइस यानी कि रड़ना। फिर है बी आर आर डी एस बर्ड, बी आर आर डी एस बर्ड, बर्ड यानी कि पक्षी। फिर नेक्स्ट हमें दिया है नंबर 32 पर आर ई एम ई एम ई ई आर, रिमेम्बर यानी कि याद रखना, आर ई एम ई एम ई ई आर, रिमेम्बर यानी कि याद रखना। फिर है एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू स्पैरो, स्पैरो यानी कि चकली, क्या होता है स्पैरो होता है चिड़िया। फिर है ए एल ओ एनी अलोन, ए एल ओ एनी अलोन यानी कि अकेला, क्या होता है अलोन यानी कि अकेला। फिर है जी ई डबल टी आई एन जी गेटिंग, जी ई डबल टी आई एन जी गेटिंग। फिर है नैप एस एच ए के आई एन जी, एस एच ए के आई एन जी शेकिंग यानी कि हलाना, क्या होता है शेकिंग यानी कि हलाना। फिर है ए एम आर ए आर डी, ए एम आर ए आर डी अफ्रेड यानी कि डरा हुआ, ए एम आर ए आर डी अफ्रेड यानी कि डरा हुआ। फिर है नेट आर ई ए सी एच, आर ई ए सी एच रिच, रिच यानी कि पहुंचना, आर ई ए सी एच रिच। देन नेक्स्ट वन इज टी डबल ओ के, टी डबल ओ के टुक, क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा टुक, टी डबल ओ के टुक, टुक यानी कि लेना। फिर है एच यू एन जी हम, एच यू एन जी हम, एच यू एन जी हम। नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू टी वैट, वैट यानी कि गीला, डब्ल्यू टी वैट, डब्ल्यू टी वैट। नेक्स्ट वन इज एस ए एफ ई सैफ, एस ए एफ ई सैफ, सैफ यानी कि सलाम।
फिर है नेक्स्ट वन इज एच ए डबल पी वाई हैप्पी, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश। देन नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू ए टी सी ए टी ई वॉच, क्या बोलते हैं इसको, वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच डी यानी कि देखा, क्या है वॉच यानी कि देखना। फिर लास्ट वाला एस टी ओ डबल पी स्टॉप यानी कि रोकना, बंद करना, स्टॉप यानी कि रुक जाना, एस टी ओ पी एस टी ओ डबल पी स्टॉप यानी कि रुक जाना, स्टॉप करना। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, H-E-A-R-T हर, H-E-A-R-T हर, H-E-A-R-T हर। फिर है नेक्स्ट C-R-I-E-S क्राइस, C-R-I-E-S क्राइस। फिर है नेक्स्ट B-I-R-E-S बर्ड्स, B-I-R-E-S बर्ड्स, D I R D S birds. Next one is R-E-N-E-N-D-E-R, remember, R-E-N-E-N-D-E-R, remember. Next one is S-P-A-R-R-O-W-S, sparrow, S-P-A-R-R-O-W-S, sparrow. Next one is A-L-O-N-E, alone, A-L-O-N-E, alone. Next one is G-E-T-T-I-N-G, getting, G-E-T-T-I-N-G, getting. Next one is S-H-A-T-I-N-G, shaking,
S-H-A-T-I-N-G, shaking. Next one is afraid. A-A-R-A-I-D, afraid. A-A-R-A-I-D, afraid. Next one is R-E-A-C-H, reach. R-E-A-C-H, reach. T-W-O-K, took. T-W-O-K, took. Next one is H-U-N-G, hung. H-U-N-G, hung. Next one is W-E-T, wet. W-E-T, wet. W-E-T, wet. Next one is S-A-P, sad. S-A-P, sad. Next one is H-A-P-P-Y, happy. H-A-P-P-Y, happy. Next one is W-A-P-C-H-E-D, watch. W-A-P-C-H-E-D, watch. W-A-P-C-H-E-D, watch. Then लास्ट में हमें जो हार्ड वर्ड दिया गया है वो है S T O double P E D stop. S T O double P E D stop. So यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 4 का जो सभी हार्ड वर्ड्स है वो मैंने आपको लिखवा लिया है. So आपको आपकी नंबर 1 वाली यानी कि इंग्लिश की बुक में 1 टाइम A लिख देना है. अब आपको होमवर्क में भी 1 टाइम के हार्ड वर्ड जो है वो आपको लिखना है. सो राइट डाउन होमवर्क. Learn and write hard words of lesson number 4 in 00 number book. वन टाइम कितनी टाइम लिखना है? वन टाइम. सो आपको होमवर्क में क्या लिखना है? लर्न एंड राइट, यानी कि आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है. जो मैंने आज हार्ड वर्ड्स लिखवाए हैं वो हार्ड वर्ड्स सभी आपको वन टाइम अपने जीरो नंबर की बुक में लिखना है. सो ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है. सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.